हे गाइस, व्हाट्स अप? ऑल गुड? सब घर में बढ़िया? मैं एकदम ठीक। और आज की वीडियो में मैं खाने वाला हूँ टाटा के रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि टाटा के भाई इतने बढ़िया बढ़िया रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आते हैं। मतलब मुझे बताया गया था कि इनके टिक्के शिक्के, चौमिन वॉमिन, पास्ता वास्ता सब कुछ आता है भाई। तो मैंने कहा भाई चौमिन वॉमिन तो हमें भी बहुत पसंद है, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना ईट फॉर माय ब्रेकफास्ट। भाई साहब, ये है हॉट एंड स्पाइसी वेज शेजवान नूडल्स, एंड 100 रुपए की नूडल्स है। ओ भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो फ्री फंड में चीजें अज्यूम मत करना। और यार, इनके जो प्रोडक्ट की वैरायटीज है ना, आती तो काफी सारी हैं, बट जो ऑनलाइन अवेलेबल था भाई मैंने ऑर्डर कर दिया। एंड भाई, इनको बनाने का जो सीन है ना, या तो आप इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए गर्म पानी के अंदर डाल दो, इतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा, या फिर आप इसको 60 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दो। हाँ, ये हो जाएगा। चेक दिस आउट यार, एक बात बताऊं, स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसकी। आई मीन, दबा के इन्होंने मसाले डाले हुए हैं, दबा के इसके अंदर ग्रेवी डाली हुई है, और झूठ बोला था इन्होंने, 60 सेकंड नहीं रखते, एटलीस्ट भाई 1.5 मिनट के लिए तो माइक्रोवेव में रख ही देना, बहुत गर्म है। आई होप इट्स गोना बी वर्थ इट, स्मेल से तो लग रहा है, रियलिटी में देखते हैं। नॉट बैड, नॉट गुड, मीडियम मीडियम है यार। नूडल्स बहुत सही है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा यार वो रेडी टू ईट वाली नूडल्स हैं, ऐसा लग रहा है अभी फ्रेशली प्रिपेयर हुई हैं। बट भाई आई डोंट नो, पता नहीं क्यों यार मसालों का इतना ज्यादा फ्लेवर नहीं आ रहा। इसको रुको, ओ इसके अंदर वेजीज भी हैं, 1-2 वेजी तो है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है इन्होंने मशरूम डाला हुआ है, और कांट मेक आउट ये क्या चीज है। आई एम प्रिटी श्योर कैप्सिकम है। सी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फॉर अ रेडी टू ईट मील दिस इज ब्रिलियंट। आई मीन, सच में यार 90 रुपए में इससे ज्यादा और क्या ही लोगे यार। ओह, इसके अंदर भाई साहब स्वीट कॉर्न भी है। बट यार, फ्लेवर में मुझे ऐसा लगता है थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे। वैसे तो यार फ्लेवर सब्जेक्टिव है, मुझे यार मतलब मेरे लिए दिस इज 3/5। आई मीन, चलो 3.5 ले लो यार। बस प्लस पॉइंट ये है इसका, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, और घर बैठाए बैठे ऐसे बढ़िया वाली नूडल्स मिल गई मुझे। ओके, आई लव इट। मुझसे पूछो कि भाई पेट भरा? वेल, थोड़ा थोड़ा तो भरा, और जितना बड़ा यार ये पैकेट है, इसमें आई मीन पूरी ऊपर तक भर के इन्होंने नूडल्स दी थी। सो दिस इज द क्वांटिटी। मैं भी कितना अजीब हूँ, खाना खाने के बाद आपको क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। वेल एनीवे, अब मुझे ये बताओ कि लंच में क्या खाओगे, पास्ता या बिरयानी? पास्ता खाते हैं ना। पास्ता में 2 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, 1 इज द टमेटो पास्ता, और दूसरा वाला है चीज़ी पास्ता। ऑनेस्टली अगर तुम मुझसे पूछो दोनों में से कौन सा पसंद है, आई लाइक चीज़। एंड यू नो भाई, यार बनाने की स्कीम भी इन दोनों की वही वाली है कि 60 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखो, मतलब मैं 90 सेकंड रखने वाला हूँ, तुम अपना देख लेना। ओह, पैकिंग भी भाई सिमिलर है। उम्मीदें तो मेरी सारी इस वाले से है। एंड बाय द वे गाइस, दिस इज़ द नॉन वेजिटेरियन वर्जन। हाँ यार, इनके नॉन वेज पास्ता भी आते हैं। अभी तो भाई बहुत कुछ आता है इनका, सब दिखाऊंगा आपको, बट अभी इसको पहले गरम करते हैं। ओह, देयर इज समथिंग एल्स इनसाइड दिस। भाई इसमें क्या डाल के दिया है आपने? ओह यार, इसके अंदर ओरिगैनो है। यस, इट इज ओरिगैनो। वैसे टाटा वाले कितने केयरिंग है ना, साथ में ओरिगैनो भी भिजवाया। आई एम इम्प्रेस्ड। बट यार, टमेटो वाले पास्ता में इन्होंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, इसके अंदर देर इज नो ओरिगैनो। आई मीन, मोहब्बत यार पूरी पूरी करो, आधी माधी क्यों कर रहे हो। हाथ जल रहा है यार मेरा, बहुत गर्म है। पहले यार आई एम गोना ईट दिस नॉनवेज वाला वाइट सॉस चीजी पेने पास्ता। इसके अंदर यार बेसिकली नॉनवेज के नाम पे इन्होंने सॉसेजेस डाले हुए हैं, दीज आर दी सॉसेजेस, एंड आई होप कि एक्सपायर्ड ना हो, बिकॉज यार इसके अंदर चिकन है ना ही, ये फ्रोजन था, और पैकिंग भी यार इसकी पुरानी है। आई डोंट नो बेचारे चिकन ने इसके अंदर सर्वाइव कैसे किया होगा। और इसके अंदर इन्होंने यार ऑलिव्स डाले हुए हैं, मतलब 4-5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और
बड़ा चीजी किस्म का पास्ता बनाया हुआ है. ऑलराइट, लेट्स डिग इनटू इट. यार ये तो सही है यार. जैसे ही आप इसकी बाइट लेते हो ना, ऐसा लगता है यार दिस इज फ्रेश चीज पास्ता. मतलब अभी अभी आपके सामने बना है. बट जैसे आप इसको स्वॉलो करते हो ना, वो आई डोंट नो प्रिजर्वेटिव्स का टेस्ट है, एक बड़ा ऑकवर्ड सा फ्लेवर एंड में लगता है. दैट इज नॉट प्लेजेंट. बट यार अमेजिंग मेरे लिए यार. दिस बॉक्स इज लाइक 3.5/5. एंड इसका प्राइस क्या है भाई? 125 rupees फॉर दिस बॉक्स इज ओके डील टू मी. मतलब नॉट दैट गुड, बैड तो यार ये है ही नहीं. हाँ भाई जुगाड़, भाई इससे बढ़िया जुगाड़ नहीं है. जुगाड़ के मामले में दिस इज 5/5 मैन. ओके, दिस इज टमेटो वेजी पास्ता. और इसके अंदर से मुझे पूरी पूरी वाइब यार वो नूडल्स वाली आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने वो नूडल्स वाला जो ग्रेवी है वही इसके अंदर ना डाल दियो. और भाई इसके अंदर उन्होंने दबा के ऑलिव्स और मशरूम्स मुझे लग रहे हैं, हाँ ये मशरूम्स डाले हुए हैं. दिस इज 4 rupees 99. एंड फुसीली पास्ता यूज किया है भाई साहब. गाइज वैसे जो इन्होंने ओरिगैनो दिया था ना, वो इनको ऑनेस्टली यार 2 packets देने चाहिए थे. मुझे लग रहा है यार ओरिगैनो से बढ़िया फ्लेवर आने वाला है. बेटर गाइज रियलिटी बताऊँ, इसमें से वो टैंगी वाला तो पूरा फ्लेवर आता है. बट आई डोंट नो यार इसका सीन क्या है. मतलब जैसे ही आप इसको सॉलो करते हो ना, आप इसको चबा के अंदर लेके जाते हो, वो अजीब सा एक भाई पता नहीं एक बेकार सा फ्लेवर आता है. आई एम श्योर वो इसके प्रिजर्वेटिव्स का फ्लेवर होगा. आई डोंट नो, आई कांट कमेंट. बस अगर वो फ्लेवर ना आए ना, तो यार दिस थिंग इज भाई टोटली रॉकिंग. एंड यार 99 rupees में आपको ये बना बनाया मिल रहा है, इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है. आई मीन थोड़ी मेहनत कर लो, घर पे बना लो तो बेटर बन जाएगा. अगर तुम नल्ले हो ना, तुमसे घर पे अगर कुछ नहीं बनता मेरी तरह, तो टाटा गाइज हैव गॉट यू कवर्ड फॉर श्योर. और ये बोलने के मुझे पैसे नहीं मिल रहे. गाइज आई एम गोना रैप दिस अप क्विकली. और गरम गरम है यार, मज़ा आ रहा खाने में. और दोनों में से यार मुझे लाइक दोनों अपनी जगह बराबरी पे लगे. दे बोथ आर लाइक 3.5 or 3/5. इससे ज़्यादा तो यार ये नहीं डिजर्व करते. 3.5 यार रेडी टू ईट फूड के लिए मेरे हिसाब से इज़ अ गुड रेटिंग. यार आपको पता है टाटा के ना टिक्के शिक्के भी आते हैं. गाइज नॉट एग्जैक्टली टिक्के शिक्के, बट इसके अंदर है चिल्ली चिकन सॉसेज, और क्या है भाई चिल्ली सीख कबाब एंड चिकन मीट बॉल्स. यार मुझे एक बात समझाओ, ये पैकेट ना ही फ्रोजन है, इसको खा के क्या होने वाला यार? अब वो तो कल सुबह सुबह ही पता चलेगा. Oh, no. कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसके अंदर से मुझे. यार इसके अंदर से बिल्कुल वो केमिकल वाली स्मेल आ रही है. एंड आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज ओके टू ईट. मैं बट आपको दिखा देता हूँ इसकी शक्ल कैसे लगने वाली है. दिस इज एक्चुअली आई मीन वन ऑफ दिस इज द सॉसेज, और दूसरा वाला यार इनका वो सीख है. एंड बाय द वे वो चिली चिकन वाला जो सीन है ना इसके अंदर, इन्होंने थोड़ा सा वो ग्रेवी सबके अंदर मिक्स की हुई है. एंड ऐसे ही सारा मिक्स करके इन्होंने सर्व कर दिया. देख लो भाई तुम्हारे सामने है. मुझे तो यार इसका सीन ठीक लग नहीं रहा, बट ये मीट बॉल ट्राई करके देख ही लेता हूँ यार. It was at this moment that he knew he fucked up. कैसी लगी? This is not fit to eat. यार इसकी पैकेजिंग डेट देखो, इसकी पैकेजिंग डेट है 15/7/2020. ये भाई कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं खा लिया मैंने? बेस्ट बिफोर कहाँ लिखा है मेरे भाई? ओके गाइस, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स लिखा हुआ है इन्होंने. और ये भी लिखा है यार इस पे कि स्टोरिंग इन फ्रिज नॉट रिक्वायर्ड. और मैंने वैसे स्टोर किया भी नहीं रहा फ्रिज में. एंड अगर इस डेट से 12 महीने करे तो हाँ अभी तो टाइम है 1.5 महीने का. इफ दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ दीज, तो यार बात मानो, अवॉइड करो एंड यू कैन थैंक मी लेटर. और रात में भाई आज बिरयानी है. ओए होए होए, चिकन बिरयानी, वो भी स्पाइसी वाली. यार वो स्पाइसी वाली वाइब तो आ रही है इसके अंदर से, बट बिरयानी से ज्यादा आई कैन स्मेल प्रिजर्वेटिव्स इनसाइड इट. ना, दे आर नॉट गुड. यार देखो ये चावल खाए जा सकते हैं जबरदस्ती, क्योंकि इनके अंदर यार कोई खास ज्यादा फ्लेवर है नहीं. एंड आई एम नॉट श्योर कि यार इसके अंदर ऑलरेडी उन्हें क्या डाला हुआ है जो इतनी ऑकवर्ड सी स्मेल आ रही है. भाई ये कहीं एक्सपायर तो नहीं है? और बाय द वे दिस इज 4 rupees 125. यार मैंने एक्चुअली
रेडी टू ईट चिकन बिरयानी और ब्रांड की खाई है एंड दे वर प्रीटी गुड. आई मीन नॉट दैट गुड बट फॉर अ रेडी टू ईट बिरयानी वाला सीन वो यार अच्छी नहीं. बट दिस इज आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट. मतलब अगर तुम्हें और ऑप्शन मिल जाए बिरयानी के तो यार वो चूज कर लेना, इसको तुम अवॉइड कर सकते हो. तो ऑल इन ऑल मुझे यार आज नूडल्स अच्छी लगी. अच्छी तो क्या मतलब जुगाड़ थी. और मुझे पास्ता भी यार थोड़ा सो ही लगा एंड उन चिकन बाइट्स की तो यार बात ही नहीं करते. और इस बिरयानी की अगर मैं बात करूँ तो सीन आपको समझ आ ही गया है. सो देख लो यार अब तुम लोगों को ये खा के देखने हैं नहीं, दैट्स अप टू यू. बट यार दीज टाटा के प्रोडक्ट्स आर अ वेरी वेरी गुड जुगाड़ अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो भाई. अगर ट्रैक पे जा रहे हो तो यार आँख बंद करके ले जाओ ये. बट अगर आप घर पे बैठे हुए हो एंड आपके पास जोमैटो और स्विगी है देन आई डोंट सी एनी पॉइंट टू ईट दीज. वेल आई एम डन. ये यार मैं नहीं खाऊंगा पूरी, मैं ये थोड़ी सी खाने वाला हूँ. ऑल्दो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जबरदस्ती खा रहा हूँ. यू गाइस आर स्मार्ट. अब क्या करना है यार आप लोगों को पता है. और हमें हमारे इंस्टाग्राम पे यार जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया फूड रेसिपीज आती हैं, मजा आ जाएगा यार देख के. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसे लगी. आई विल सी यू सून, रियल सून, विद अनदर वीडियो. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग.